बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश साफ़साना, खामोश साफ़साना, खामोश साफ़साना। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, इस दिल के झरोंकों में खामोश सी तस्वीरें और जेब के कोनों में ख्वाबों के कई सिक्के। छत की मुंडेरों पर जब जिंदगी पास आकर कहती है कई किस्से, वो टूट के बरसाती, वो धूप के झोंके कुछ, या तपती दोपहरी में बादल सा बिखर जाना। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, ऐ जिंदगी तूने तो कांटे ही बिछाए थे। हम चलना नहीं भूले, हम हंसना नहीं भूले, वो रास्ते पत्थर के सब मोम किए हमने। दरिया हो के बादल हो, सब रंग दिए हमने, हर बात हमारी तो खुशियों की कहानी है। हर राह हमारी तो मंजिल को ही जानी है, हम ख्वाब का दरिया हैं, बस तूने नहीं जाना। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा हो। इस गुलाबी शहर की गुलाबी सुबह बातें करती है बहुत सी, रस्तों की, गलियों की, खुशियों की, ख्वाबों की। कहते हैं जयपुर राजाओं का शहर है, कोई शहर राजाओं का होता है क्या? सब शहरों की तरह ये शहर भी कारीगरों, दुकानदारों, नल पे पानी भरती औरतों, आंगन में खेलते बच्चों, कुआं खोदते हौसलों और कॉलेज जाती उम्मीदों का शहर है। एक और मजेदार बात है इस शहर की, दिलों की तरह इस शहर की गलियां भी खुली हैं। इस शहर की कोई गली बंद नहीं होती, अब किसी गली में भी चल पड़ी तो किसी बड़ी सड़क पर निकल आएगी। कठपुतलियां यूं तो चुप रहती हैं, मगर हुसैन साहब के हाथों में जादू है कोई। उनकी बनाई कठपुतलियां लगता है अब बोली और अब चली, और अगर हुसैन साहब हाल पूछ ले उनसे तो फिर देखिए कैसे इतराती है। वो
संतोष जन्मा तो ढोल बजे, गाने गाए गए, मगर अफसोस कोई आवाज उस तक नहीं पहुंची, न वो सुन सकता था न बोल, और इसके साथ सब चला गया। सदमे से बाप गए, बेईमानी से कारोबार और मौके से रिश्तेदार। पीछे छूट गई तो पुरानी पड़ गई एक बड़ी सी हवेली, जो बेचारी कहीं जा नहीं सकती थी। आवाजों की दुनिया से दूर जब वैशाली ने आंखें खोली तो अपना कोई नहीं था, मगर वैशाली जानती थी कि सपने आवाजों पर नहीं चलते, वो तो पंख लगाकर उड़ते। उसने तय किया उसे अपनी दुनिया रंगों से भर देनी है, रंगीन सपनों से। अब जबकि ये दोनों मिल गए थे तो लगता था जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है अक्सर। फिर इनकी जिंदगी में एक दिन किस्मत की घंटी बजी, नन्ही सी प्यारी सी घंटी। बेटी थी, नाम रखा गया वाणी, क्योंकि वो उनके ख्वाबों की आवाज थी, वो उनका सपना भी थी और सपनों की ताबीर भी। ये कहानी है इन बे आवाज माँ बाप की और उनकी आवाज उनकी बेटी वाणी। ये कहानी है इंसान की जीत की और उस महान सफर की जिसका नाम है जिंदगी। माँ, ये है मेरी माँ। वो जितनी गंभीर दिखती है उतनी है नहीं। उनके धीर गंभीर चेहरे के पीछे छोटी सी बच्ची छुपी हुई है जो कभी कभी झांकती है बाहर। माँ पानी जैसी है, बहुत नरम मगर अंदर से बहुत मजबूत। मुट्ठी में पकड़ो तो यूं फिसल जाए जैसे कभी था ही नहीं, मगर ताकत इतनी कि पहाड़ का सीना चीर कर बह निकले। ये सबकी सुनती हैं, लेकिन अगर बोलने की बात करें तो आपको लगेगा बहुत चुप रहती हैं वो, मगर ये जो इनकी आंखें हैं ना, वो बहुत बातें करती हैं। बापूसा, ये है मेरे बापूसा। आप घर में घुसे और आपको अपने सारे दांत चमकाकर हंसता हुआ कोई दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो बापूसा है। इस घर का जीवन हर वक्त हंसते हुए बोलते हुए, दिन भर मस्त, दिन भर खुश। कोई इनको देखकर कह नहीं सकता इन्होंने जीवन में इतने दुख दर्द देखे। अपनी बेकरी के किसी कोने में शायद इन्होंने वो मर्तबान छुपाया हुआ है जिसमें इनके सपने रखे हुए। फिलहाल ये सिर्फ मेरे सपनों का पौधा सींचते हैं और हंसते हैं,
और इंतजार करते हैं कि अब फल आए और तब फल आए। और मैं बंट, अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, आप खुद ही देख लीजिए। हेलो बब्बल। हाँ बोल। पंक्चर हो गई है गाड़ी, आजा। हैं? अबे क्या बोल रहे, तेरी आवाज नहीं आ रही। बेटा तू शाम को घर आ, फिर बताता हूँ, ठीक है? अच्छा तो गाड़ी पंचर हो गई भाई। अरे भाई पहले बता दे, एक एक मैसेज तो कर देता, तू अभी बोल, एड्रेस बोल, अभी आता हूँ। चल ठीक है, टेक्स्ट कर रहा हूँ, आजा। हेलो अर्जुन। हाँ बबन। अबे कहाँ है यार, जल्दी आ जा। आया, बस आ गया। हाँ। अरे बब्बल भाई ये सही है, मुझे यहाँ बुला लिया, खुद गायब। वाह भाई तुम महान हो बब्बल। तेरे भाई ने एक लड़की देखी है। एक लड़की? हाँ, एक लड़की। भाई पता है ये लड़की है ये तो भाइयों के बीच में दरार बना देती है, और कुछ नहीं है, थोड़ा सोच समझ के समझा। स्टेप नहीं निकाल, गाड़ी से जा। अच्छा अच्छा ये तो बता कौन है, कहाँ मिली, अबे है कैसी, ये तो बता। पता नहीं यार, शक्ल नहीं देख पाया। क्या गाड़ी थी यार, पर नाम तो पता ही होगा। शक्ल नहीं देख पाया तो नाम कैसे पता चलता। ले लड़की देखी नहीं और नाम भी नहीं पता। क्या गाड़ी थी यार।
वैशाली जी, वैशाली जी, तुम्हारा पत्र आया है, लेटर, पत्र। किसी संध्या का अलवर से है, किसी संध्या का। ओ मेरे लैला मजनू, तुम दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें खत्म हो गई। मैं कबाब में हड्डी बन सकता हूँ क्या? बदमाश हो तुम, मैं सब देख रहा था, मैं सब देख रहा था। ये क्या है? अरे वाह, संध्या की चिट्ठी। वाह, क्या दोस्ती है तुम दोनों की। दुनिया कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती जूं के त्यों कायम है, कायम है तुम दोनों की दोस्ती। मुझे ऐसा भूला भाला मिल गया, हम दोनों दोस्ती आज तक चल रही है, वरना तुझसे चाय तक भी पिलाई नहीं जाती। मैं मजाक कर रहा हूँ, दोस्ती इससे और चाय पिलाने की जुम तुम पे। बाबा, अरे हुसैन बाबा, आप भी आए, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। देखो देखो देखो, चिट्ठी। ओहो, संध्या मौसी की चिट्ठी, पढ़ू मैं? माँ पढ़ू। प्रिय वैशाली, आज फिर याद आई तुम्हारी, अपना बचपन याद आया फिर से, फिर से वो पेड़ याद आया जिस पर चढ़ते थे हम, वो चूरन बेचने वाला याद आया जो हमारे स्कूल के बाहर खड़ा होता था, कितना खट्टा चूरन होता था ना उसका। पता नहीं अब वो बूढ़े बाबा कहाँ होंगे। हम लोग कितना सोचते थे ना, दुनिया घूमेंगे हम, सारे शहर, सारे गांव, पहाड़ पर भी जाएंगे एक दिन, और समुद्र कितना बड़ा होता है ना। हम लोगों ने फोटो देखी थी उसकी, नीला, दूर तक फैला हुआ। तब साथ साथ भटकते हुए कभी लगा ही नहीं था इतने बड़े हो जाएंगे हम, और इतने दूर। तब एक घंटा भी दूर रहना मुश्किल होता था, और अब सालों हो जाते हैं। बहुत बहुत याद करती हूँ मैं तुझे। अच्छा माँ, तो एक घंटा भी दूर नहीं रहती थी आप?
क्या हुआ माँ? बचपन की बहुत याद आ रही है कि, हाँ? देखो, तुमने माँ को रुला दिया, अब माँ को हंसाना भी तुम्हारे ही काम है। मैं कैसे हंसाऊं बाबा? देखो, बचपन याद करके जब आंसू हंस सकते हैं तो हंसे भी आ सकते हैं। क्यों? चल मेरी कठपुतली, चल आजो, 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 यहाँ खड़ी हो जाओ तुम, खड़ी हो जाओ तुम यहाँ, अभी आ, अभी आ। तैयार हो जा, एक, दो, तीन। बचपन की वो बात पुरानी, उतनी सुंदर, इतनी सुहानी, तू रो रो कर कुछ कहती थी, तब भी नाक तेरी बहती थी, तब भी नाक तेरी बहती थी। हंसी हंसी हंसी, वाह 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 वाह। छुप ना जाओ जी, ओ मन दीद कराओ जी, राह क्यों तरसावे हो, ओ मन शक्ल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानो मैं चौधरी, मारे से ले ना पंगा जी, मैं कहन लगी ओ मारे हिवड़ा में जागी, दो कणीर चंदा में थारी चांदनी, मारे दामन वो रात खूबसूरत थी, संदेशों, यादों, बातों से भरी रात। अल्फाज अपना जादू बुनते रहे, हवा धीमे धीमे ठंडी हो गई। हवेली का आंगन, दीवारें, बारजे, चबूतरे सब चुपचाप इस कहानी को लम्हा लम्हा खुलते देख रहे थे और हैरान थे कि खामोशी इतनी बातें कैसे करती है आखिर। देखा है बहुत हमने।